बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। हरियाणा के जिंद जिले में 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल होंगे। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर का हवाला देते हुए कहा कि बिहार के अधिकांश इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नीतीश राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। अभी एक बच्चों में एक नई बीमारी भी पैदा हुई, प्लस बिहार में बाढ़ की भी स्थिति है, तो इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिहार से बाहर, जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं हो तो दिल्ली तक जा सकते हैं, लेकिन बिहार से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। लेकिन चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो उनका आदर और सम्मान और जो उनको के प्रति हर समय उनको खुशी होती इस बार भी जाने में, लेकिन वो इस बार शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और इसके लिए आदरणीय श्री चौधरी लाल जी के पुत्र माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को सूचना दे दी गई है। पार्टी मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व वहाँ पार्टी की तरफ से उस सम्मेलन में श्री केसी त्यागी जी उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। नीतीश कुमार कई सालों से बीजेपी विरोधी नेताओं के साथ मंच साझा करने से परहेज कर रहे हैं। खबर के मुताबिक नीतीश पेगासस जासूसी कांड की जांच और फिर जातीय जनगणना की मांग करने के बाद अब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी से किसी और तरह का पंगा नहीं लेना चाहते हैं। वहीं लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नेताओं के साथ मंच साझा करने से परहेज कर रहे हैं। खबर के मुताबिक नीतीश पेगासस जासूसी कांड की जांच और फिर जातीय जनगणना की मांग करने के बाद सार्वजनिक तौर पर बीजेपी से किसी और तरह का पंगा नहीं लेना चाहते। ऐसे में अगर नीतीश कुमार 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव और प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं के समर्थन में दिखेंगे, जो कि बीजेपी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। बता दें कि बीते महीने राजधानी दिल्ली के दौरे पर आए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर नई सियासी सरगर्मी को हवा दी थी। दरअसल नीतीश कुमार और केसी त्यागी ने पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला के पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के साथ काम किया था। हाँ, अरे इनके प्रति हम लोग का सम्मान आज का है तो इसलिए बहुत पहले की बात है। अब वो आए हैं तो इसलिए कुछ फोन हुआ, फिर हम कहा कि जिस दिन आ जाएंगे हम दिल्ली जरूर मिलेंगे आपका दर्शन। इस मुलाकात का क्या कोई राजनीतिक मतलब? नहीं नहीं, कोई राजनीतिक, क्योंकि चौटाला साहब तीसरे मोर्चे की बात करते रहे हैं पिछले। वो ठीक है, वो सब तो अपनी जगह पर बात अलग है, लेकिन यहाँ पर मिलना सीधे इनके प्रति जो हम लोगों के मन में सम्मान है उसी के लिए सब बात। कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ ऐसा कुछ अभी?